दोस्तों, ये भुसावल के पास सिंधी करके गांव है जो मेरे नाना नानी का गांव है हेलो दोस्त। फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। यारो मेरे प्यारो, यार भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो। यार तुम सपोर्ट बहुत कम कर रहे दोस्तों। वैसे तो तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ है, लेकिन मेरे दोस्तों सपोर्ट को बढ़ाओ और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। देखो भाई का दूसरा दिन है सिंधी के अंदर, और देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बनवारी साहब हैं इन्होंने हमारी मेजबानी के अंदर कोई कमी ना छोड़ी। और देखो दोस्तों हमारे बनवारी साहब जो है इनका भी एक्सपीरियंस और तजुर्बा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत बड़े कारागिर है दोस्तों। दोस्तों तो ये मेरे भांजी की ऑफिस है, जन सेवा केंद्र कल्याण, और ये उसकी बाइक और भांजा खड़ा। ये छोटा भांजा है, तो भांजी की बाइक निकालते निकाल भांजी बाइक भांजी की बाइक निकालते और थोड़ा घूम के आते यार, क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है। ये देखो इधर इस तरह से, ये सिंधी गाँव है मेरे यारों। और मिलते हैं यारों बस स्टैंड के ऊपर। मैं सोच रहा था कि बाल भी थोड़े बड़े बड़े हो गए, कटिंग करने का है, कटिंग करेंगे और देखते हैं। यहाँ पर एक ही दुकान है सिंधी के अंदर, और वो चालू है या नहीं है मुझे पता नहीं। ये है बस स्टैंड का एरिया और यहाँ पर सब दुकानें हैं, तो भाई ये दुकान तो बंद है। ये रहा सिंधी का बस स्टैंड, और इधर से ही बस वगैरह सब लगते हैं। और तो यार अभी तो हमने रिटर्न घुमा लिया बाइक, सलून की दुकान बंद है ना भांजे? हाँ। क्या दूसरी कोई है? दूसरी अगर होगी तो बोल मुझे, जाएंगे अपन। वर्कआउट भी करना है दबा के, तो वर्कआउट भी करते हैं दोस्तों, चलो। और एक गांव में से ले लिया भांजे ने गाड़ी, चल। क्या कर रहे यार? ये बंगार लेके भुसावल बेचने जा रहे। जाओ यार, अल्लाह तुम्हारे बंगार का ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ाए। तो यारो दुकान तो बंद थी कटिंग की। वैसे मुझे लगता नहीं कि कटिंग की कोई जरूरत है मुझे, लेकिन फिर भी यार ऐसा दिल बोल रहा था कि छोटे छोटे बाल कर लो एकदम। वैसे कमेंट करना अगर जरूरत होगी तो, फिर मैं छोटे छोटे बाल कर लूंगा अगर लुक अच्छा दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यार अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करा है मुझ पर, मेरा लुक तो बहुत बढ़िया दिखाई देता है। यारो गर्मी में ठंडी का मजा क्या? स्पेशल डिश दोस्तों, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो बच्चों को क्या वर्कआउट से मोटिवेट कराता हूँ, क्योंकि वर्कआउट एक ऐसी चीज है क्या हम भी मोटिवेट होते हैं और एकदम बॉडी मजबूत होती है। वर्कआउट तुमको बताऊंगा वो वर्कआउट करने का है दोस्तों। मैंने इसे वार्म अप अच्छे से करा लिया, थोड़ा कम कराया क्योंकि बच्चे है, मन के सच्चे है, इसके लिए वार्म अप कम, इनसे डायरेक्ट वर्कआउट कराता हूँ। तो देखो पहला वर्कआउट डीसी वर्कआउट के अंदर सबसे बढ़िया जो वर्कआउट रहता है दंड बैठक, क्योंकि दंड बैठक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी को वर्कआउट कर रहा था, है ना दोस्तों? फुल बॉडी वर्कआउट दंड बैठक। अब बिल्कुल ऐसा बैठने का है, ये बहुत बढ़िया, दो मारो, तीन, बहुत बढ़िया। बैठ के बैठा, बैठ के नीचे बैठ, पहले बैठ ऐसा, बहुत बढ़िया, एक नंबर। दिल बॉडी बनी तुम्हारी ऐसी, फिर से मारो ना तुमरे अंधे को, रोज वर्कआउट करते रहने का है ना, वर्कआउट छोड़ने का नहीं व्यवस्था। तो ये भुसावल के पास सिंधी करके गांव है जो मेरे नाना नानी का गांव है दोस्तों, और मेरा बचपन ज्यादातर मतलब सिंधी गांव के अंदर गुजरा है, इसीलिए मुझे तो लाइक करे, शेयर करे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे।